उस MSP से कम दाम में देश में खरीदी ना हो, इसे रोकने के लिए गारंटी कानून बनाना। देखिए, आज पूरे देश में किसानों की एक ही मांग है कि MSP पे खरीदी की गारंटी होनी चाहिए। तो ये सारी जिम्मेदारी जो सरकार की है, आज जो किसान आंदोलनरत है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आज 3100 रुपया 2 महीना हो गए, लेकिन अभी तक नहीं मिले। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा, आप देख रहे हैं, ये दुर्ग जिले के किसान हैं, छत्तीसगढ़ प्रगति किसान संगठन के सदस्य हैं। आज ये दुर्ग कलेक्ट्रेट में आए थे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए, और आज इन्होंने एक अपने इसमें एक काला पिता लगा के विरोध दर्ज कर रहे हैं। देखेंगे सभी किसानों के इसमें आज काला पिता लगाए हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर में जो हरियाणा पंजाब के किसान अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी मांग को अभी तक नहीं मानी है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हुए हैं और रास्तों में खिल लगा दिए हैं, उनके साथ एकदम दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये किसान भी हैं, वो भी किसान हैं, आखिर वो भारत देश के किसान हैं, सभी धरती पुत्र हैं। इनकी जो मांग है, हम इनसे बात करते हैं चौपाल के माध्यम से। सर, अपने नाम बताएंगे? नाम से बताओ। मैं राजकुमार गुप्ता, संयोजक छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन। आज हमारे किसान संगठन की तरफ से यहाँ दुर्ग के कलेक्टर कार्यालय में हमने काला फीता लगा करके जो आज प्रदर्शन किया है, वह हरियाणा बॉर्डर में दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर जो सरकार का दमन है, सड़कों में कीड़े लगाना, बैरियर लगाना, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ना, रबर की गोलियां दागना, ये तमाम जो दमनात्मक कार्रवाइयां हुई है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ काला फीता लगा करके प्रदर्शन किया है। अब बताइए, इसके अलावा किसानों की जो प्रमुख मांग है, जिसको लेकर के किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, सरकार से वार्ता करके कोई समाधान निकालना चाह रहे हैं, उसमें स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार C2 लागत में 50% लाभ जोड़ करके MSP घोषित करना, ये पहला है। दूसरा है, जो सरकार MSP घोषित करेगी, उस MSP से कम दाम में देश में खरीदी ना हो, इसे रोकने के लिए गारंटी कानून बनाना। ये दो बड़ी मांग के अलावा अन्य और भी मांगे हैं। इसको लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, उस उन मांगों के समर्थन में भी हम आज यहाँ प्रदर्शन हमने किया है। ये किसान भाई कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार है, किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपना रही है। हम तो किसान हैं, हम अपनी बात करेंगे। मैं दूसरे किसान भाई के पास आता हूं, आपकी क्या मांग है बताएंगे? देखिए, आज पूरे देश में किसानों की एक ही मांग है कि MSP पे खरीदी की गारंटी होनी चाहिए। मैंने जो सरकार जो है MSP निर्धारण करती है, ज़्यादातर फसलों जो है उसका कीमत नहीं मिल पाता बाज़ार में, तो ये शोषण से मुक्ति कैसे मिलेगा? ये शोषण से मुक्ति देने का एक ही रास्ता है कि जो MSP सरकार डिक्लेयर करती है, वो उस पर एक कानून बना दे कि इससे कम पे कहीं पे भी आपका उत्पाद जो है बिकेगा नहीं, चाहे वो सरकार खरीदे, चाहे वो व्यापारी खरीदे या कोई अन्य खरीदे। तो ये बड़ी एक मांग है किसानों का। और दूसरी मांग जो है कि ये है कि MSP का निर्धारण जो है आप ही के द्वारा बनाई गई कमेटी, जो स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा बोला जाता है जिसको, वो आयोग 2006 से बना, 2006 से रिपोर्ट उसको दे दिया है। तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो भाई, आप अगर मान लो उस आयोग की सिफारिश नहीं मानना था तो वो आयोग बिठाया क्यों? तो वो आयोग में ये स्पष्ट बोला गया है कि किसानों को उसको उत्पाद का मूल्य जो है वो C2+50 पे होना चाहिए, नहीं कि A2+FL में 50 जो अभी सरकार दे रही है उस पर ना होके C2 पे होना चाहिए। तो कंप्रेसिव कास्ट जो है वो किसानों का जो अन्य जो खर्चे जो होते हैं, जैसे किसान जो है ज़मीन लेके जो रेक पे जो खेती करता है, उसमें बिजली का जो खर्चा आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसान कहाँ से पूरा करेगा? C2 का मतलब ही वही है कि ये सारी जो कंप्रेसिव कास्ट जो है उस पर जोड़ के उस पर 50% जो है वो लाभ किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन आज तक की कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज तक की कोई सरकार जो है MSP का निर्धारण C2+50 पे नहीं कर रही है। मोदी सरकार जो है बोल रही है कि हम 50% लाभ जोड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ A2+FL पे जोड़ रही है, C2 को छोड़ रही है। तो C2+50 का मांग जो है वो प्रमुख मांग है। और खाली सरकार के द्वारा MSP घोषित कर देना ही काफ़ी नहीं है,
ये सरकार का देखने का कर्तव्य है, ये सरकार के दायित्व है कि मैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया हूँ किसानों के लिए, तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दायित्व भी सरकार का है। ये दायित्व सरकार जो है नहीं निभा रही है। तो अभी जो आंदोलन जो चल रहा है देश में, ये जायज आंदोलन है, किसानों के जायज मांग है। सरकार से हमारे निवेदन है, आग्रह है कि इस मांग को सरकार जो है वो पूरी करे। आज हम उसी के समर्थन में, आज हम भी दुर्ग जिले के किसान जो है वो दिल्ली के जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। लोकसभा चुनाव के पहले आपने किसानों ने आंदोलन छेड़ा है, क्या कारण? नहीं, ये कहना गलत है कि लोकसभा चुनाव है इसलिए आंदोलन छेड़ा गया है। ये आंदोलन आपको याद होगा, 2 साल पहले भी ये आंदोलन चला था। 2 साल पहले सरकार खुद बोली थी कि हम आपके जायज मांगों को पूरा करेंगे या कोशिश करेंगे, लेकिन 2 साल तक के सरकार मौन रही। 2 साल तक किसान इंतजार करते रहे कि सरकार बात करेगी, सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। इससे पहले जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन हुआ, कोई किसान उसको भूला है क्या? उस समय सरकार ने अपनी बात क्या रखी थी? उसने कमेटी बनाई, उस कमेटी का रिपोर्ट क्या हुआ, उस कमेटी का रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं आया। आज जो किसान निकले हैं वो इसी बात को लेकर निकले हैं कि भाई आपने बोल के हमारा आंदोलन ख़त्म किया, आप फिर से हमको आंदोलन के लिए आप बात कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी जो सरकार की है, आज जो किसान आंदोलनरत हैं इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि 2 साल के अंदर उन्होंने एक भी मामले को सुलझाया नहीं, बल्कि मामले को उलझाते चला गया। तो इसलिए ये बोलना गलत है कि लोकसभा चुनाव से किसानों को कोई मतलब नहीं है। किसान आज से नहीं लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसान लड़ रहे थे, जब भाजपा की सरकार है तब भी किसान लड़ रहे हैं। आज जो किसान आंदोलन, जो शंभू बॉर्डर में किसान दिल्ली के आए हुए हैं, हरियाणा पंजाब के, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री और अधिकारियों ने उन्हें धोखा दिया। पहले भी जो हड़ताल और धरना प्रदर्शन किए थे, उनकी मांग को नहीं माना गया, फिर आज किसान सड़क पर आकर अपनी मांग को मनवाने के लिए बाध्य कर रहा है केंद्र सरकार को। मैं फिर दूसरे किसान भाई के पास आता हूँ। काका बताइए, हाँ आपका क्या परेशानी? हाँ, किसान परेशानी हमारी वही है कि हमारी फसलों का वाजिब जो दाम है ना, नहीं मिल रहा है, जो उनके कहे अनुसार से ही केंद्र सरकार के जो समिति बनाई उसका भी पालन परिपालन नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं। या आपने काला पट्टी क्यों लगाया? काला पट्टी हमारे शंभू बॉर्डर में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, उनके ऊपर जो दंडात्मक जो कार्यवाही किया जा रहा है, आंसू के गोले गिराए जा रहे हैं, रास्ते पे वो कीले गड़ा रहे हैं और गोला चला रहा है, ये सब इसके लिए हम लोग कर रहे हैं विरोध में, उसके विरोध में। छत्तीसगढ़ की विशेष सरकार भी तो किसान हितैषी है। अब विशेष हितैषी है अपने कहे अनुसार से भी, ये भी तो नहीं है, हम किसको कहें? अगर ये करती हमारे ये में समर्थन में तो वहाँ तक जाता। अब वो ये कुछ बातें ये कहते हैं कि अगर प्रदेश सरकार उसका समर्थन करे तो हम करेंगे, ये बोलते हैं, तो ये भी कहाँ है हमारे? आपके, आप भी किसान हैं, आपको भी समस्या है तब वो, मतलब ये नहीं, समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं कर रहा है, कुछ को खरीदी कर लेता है, बाकी को बाजार में औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी धान खरीदी किया था, उस काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, अभी तो वो बचत वाला अभी तक के नहीं आया, और एक साथ देंगे करके बोला किसानों को, कहीं भी बैंक में जाना नहीं पड़ेगा करके, हर पंचायत में जाके देंगे करके, अभी तक के नहीं आया। तो आपने कितने का धान बेचा है? मैं वही करीब करीब 95 क्विंटल धान बेचा हूँ। कितनी लागत होगी? लागत तो बहुत आता है सर, तो बहुत ज़्यादा। तो अभी तक कितने पैसा मिला, कितना रुपये मिला सरकार, विष्णुदेव सरकार जो भाजपा की छत्तीसगढ़ की? अभी तक के मिला है वो तो समझ लो पूरा ये लागत में गया। अब मिलेगा, कुछ मिलेगा मेहनत का, उसी का इंतजार कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। तो पूर्व जो भूपेश बघेल की सरकार थी कांग्रेस की, वो किसान हितैषी थी कि ये वाली सरकार? नहीं नहीं, सब एक ही है। ये किसान भाई कह रहे हैं कि पूर्व में जो भूपेश बघेल की सरकार थी वो भी किसान हितैषी नहीं है, और वर्तमान जो भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव सरकार, ये भी किसान हितैषी नहीं है, और ये तो समय बताएगा कि सरकार किसानों की मांग को कब पूरा करता है। और मैं फिर दूसरे भाई के पास आता हूँ। काका कैसे, बताइए क्या परेशानी? परेशानी ये है कि जो घोषणा करके
आज बीजेपी की सरकार है कि हमला 3100 रुपया बोल के दिए है। आज 3100 रुपया 2 महीना हो गए लेकिन अभी तक नहीं मिले है ना। तो हमला कम से कम 3100 रुपया जो है वो देना चाहिए। अभी तक अनुपूरक बजट में जो 1200 करोड़ के ला है तो मिल जाना रही से, लेकिन पता नहीं सरकार हम किसान मन के साथ का चाहते अभी तक दिए नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी मोदी सरकार है, भाजपा की छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार है और फास्ट काम करना चाहिए किसान के हित के लिए। आज तक नया विधानसभा गठन होए के बाद कोई गतिविधि नहीं है, सिर्फ इन चुनाव की बात करते, किसान मन के प्रति कोई एक सोच नहीं है। जबकि पूर्व के जो कांग्रेस सरकार जो चौथा किस्त छोड़ के गए ओला भी आज तक के नहीं दिए है जो हम किसान मन के लिए अनिवार्य है, और वर्तमान में जो 3100 रुपये बोले ओला भी अभी तक नहीं दे है। तो ये तो किसान के साथ धोखा ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिर्फ धान में ही है हमला, अन्य फसल के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं है। और बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ धान में 3100 रुपया, दलहन तिलहन में कोई प्रावधान नहीं है, सब्जी उत्पादक किसान के लिए कोई योजना नहीं है कर पास, तो अन्य किसान तो चौपट है। तो हम ये चाहते हैं कि किसान सब आए, सब ले एक रूपता देना चाहिए और वह प्रोत्साहित करना चाहिए, यही हम शासन से मांग रहे हैं। ये किसान भाई कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार मात्र धान के लिए काम कर रही है, सब्जी उत्पादक किसान भी है उनके बारे में भी सोचिए, जो दाल तिलहन लगाते हैं उनके बारे में सोचिए, तभी किसान का विकास होगा। मैं फिर दूसरे किसान भाई के पास आता हूँ, आप बताइए। खड़े हो मैं प्रमोद कुमार पवार, हाँ। ग्राम सिलोदा का किसान हूँ, हाँ। आज हम कलेक्टर ऑफिस में केवल भारतीय किसान यूनियन के सपोर्ट में धरना ज्ञापन देने आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो भी धान खरीदी किसानों का दे देना था अभी तक नहीं, हाँ। कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बताइए पुरानी सरकार कांग्रेस की भूपेश बघेल की अच्छी थी कि विश्वदे सरकार किसान? वो तो टुकड़े में देता था तो भी किसान परेशान रहते थे जी। जिसको 2000 मिलता था चार बार जाते थे, उसका आने जाने में खर्चा हो जाता। अब एक मुश्त का लालच दे के अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, और धान के ऊपर है बाकी फसल के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे। तो अभी चुनाव आएगा लोकसभा का कुछ दिन के बाद, तो कुछ समय बताएगा अब क्या करेंगे। आपकी भी कोई रणनीति होगी, अब उस समय की स्थिति क्या बनती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। काका आपका? नहीं जी, मैं किसान भाई बोल रहे हैं कि पूर्व की जो सरकार है वो किस्त में रुपए देती थी किसानों को, और ये सरकार अभी रुपए देने के लिए दूर भाग रही है, ये तो समय बताएगा। जी आप बताइए। किसानों का स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि अभी जो 3100 में देंगे एक साथ देंगे करके बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं डला है। किसान उसी इंतज़ार में बैठे हुए, अबक डलेगा मार्च बजट के पहले डलेगा ऐसा उम्मीद में था, लेकिन अभी तक किसानों के हित में काम नहीं हुआ। मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी डाले और किसानों के हित में काम करें, नहीं तो अन्यथा अन्य चुनाव में उनके परिणाम मिल जाएगा। किसान आक्रोशित है क्योंकि किसानों ने अभी तक जो वादा किया है वो कोई काम नहीं किया है। किसानों को जो वादा किया था अभी तक पूरा काम नहीं किया है। तो अभी लोकसभा चुनाव आएगा तो आपकी क्या रणनीति रहेगी सरकार को? डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी क्या रणनीति? जो किसान हित में काम करेगा उसी के काम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग जी। तो भूपेश बघेल भी तो किसान हित में काम करते थे? करते थे, लेकिन क्या है कि कुछ योजनाएं ऐसे ऐसे लाए कि जैसे कि गौठान योजना लाए उसमें फ्लॉप था उसका योजना, इसलिए वो मार खाए गए जी। ये किसान भाई कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल की जो एक अच्छी योजना थी गौठान योजना, वो फ्लॉप साबित हुई, इसलिए उनकी सरकार की हार हुई। मैं दूसरे किसान भाई के पास आता हूँ, आप क्या बताएंगे? जी मेरा नाम होरीलाल साहू, मैं अंजोरा ढाबा से किसान हूँ, और हमारी जो आज का विरोध प्रदर्शन का मुख्य कार्यक्रम है जिसमें हमारे जो बॉर्डर में अभी किसान लगे हुए हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो इस तरह से अत्याचार न हो करके किसानों के साथ शांतिपूर्वक मतलब पेश आए और जो भी मांगे हैं हमारी, क्योंकि हम भी एक उत्पादक हैं और उत्पादक को जो है अपने उत्पादन का मूल्य तय करने का हक रहता है, जिस प्रकार से एक कंपनी होता है जो हमसे मक्का लेता है और मक्का का दाना का जो है
उसने चिप्स बना करके कार्ड बना करके वो अपना दाम तय करता है और हम उसको 15 रुपये 12 रुपये में मक्का बेचते हैं और वही मक्का जब हमसे बाज़ार में हम उससे ख़रीदते हैं तो उसको हम 50 रुपये 100 रुपये पैकेट में ख़रीदते हैं वो भी 100 ग्राम का। तो इस तरह से जो अनियमितता है, क्योंकि हम भी किसान उत्पादक हैं और हमारी जो फसलें हैं, फसलों की जो न्यूनतम लागत मूल्य है उसको जो है निर्धारित कर दे, जिससे जो भी खरीदी करे, ऐसा नहीं कि सरकार ही खरीदी करे, जो भी खरीदी करता है उतना मूल्य उसको देना पड़ेगा। बस यही मांग है। और दूसरी ये है कि हमारे सभी फसल, दलहन हो, तिलहन हो और हमारी जो अभी धान की फसल है, तो छत्तीसगढ़ के किसान सिर्फ धान ही उगाते हैं ऐसा नहीं है, सभी मोटे अनाज भी उगाते हैं, तिलहन भी उगाते हैं, दलहन भी उगाते हैं, सब्जी की भी खेती करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। तो सभी तरह से जो हमारे उत्पाद है उनकी न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वह निर्धारित। आपके कुछ बोलेंगे जी? बताइए। मेरा नाम परमानंद यादव है, मैं ग्राम बुराई का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अभी हम सरकार चुने हैं, इन्होंने जो वादे तो बड़े बड़े किए थे है ना, लेकिन अभी ये लोग कुछ को कुछ तो इनका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। एक तो ये लोग बोल रहे हैं कि धान के 3100 देंगे, अब बाकी का पैसा किसान योजना बना के देंगे बोले हैं, तो और बाकी फसल वाले और जो किसान हैं उनके लिए क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं है इनका। और भी तो किसान और फसल लेते हैं, बाकी फसल लेने वाले किसान हैं, सब्जी वाले किसान हैं, जैसे पिछले सरकार देती थी सब्जी वालों को भी देती थी अपने, उस हिसाब से अभी तक इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो इससे लगता है कि ये लोग बस गारंटी गारंटी चिल्ला रहे हैं, मोदी गारंटी, और उसमें कुछ होना जाना कुछ नहीं दिख रहा है। तो और आज की स्थिति देख लो और आप आज़ादी के पहले की स्थिति देख लो, चाहे आज़ादी के बाद की स्थिति देख लो, किसान ज्यों का त्यों है। किसान को कोई भारी सुधार आ गया ऐसी बात नहीं है, किसान को जो उसका उत्पादन है, उसका मेहनत है, अगर किसान के मेहनत का अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो उसके हिसाब से जो है उसके उत्पाद का मूल्य अभी भी बहुत कम है। तो यही मेरा कहना है। किसान भाई कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आए किसान हित के लिए सोचे और तभी किसान का भला होगा, भारत का किसान तभी उन्नत करेगा।